अलग अलग फेवरेट सीन। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अलीना का बर्थडे वाला दिन, आज बर्थडे है अलीना का और मुझे रमज़ान प्रिपरेशन भी करना है। पिछले 2-3 दिन से मैं किसी काम में फंसी हुई थी तो मैं नहीं कर पाई, तो आज दोनों काम चलेगा। हस्बैंड डेकोरेशन करेंगे अलीना का बर्थडे का सब, और मैं शूटिंग करूँगी रमज़ान प्रिपरेशन का। तो और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, तो आप लोगों के बहुत सारे विशेज़ आ रहे थे, तो थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरा साथ देते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे। तो फिर ठीक है, आज काम बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं जल्दी सुबह उठ गई हूँ ताकि मैं मतलब सब कुछ हो पाए टाइम से। तो अभी डेकोरेशन करना है, अलीना का डेकोरेशन का पूरा सामान आ गया है, तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ क्या है। चलिए चलते हैं सीधा हॉल में और दिखाती हूँ क्या है सब कुछ। तो यहाँ है रिटर्न गिफ्ट्स, बच्चों का रेडी हो गया है, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। और यहाँ पर डेकोरेशन का पूरा सामान अलीना ने खोल दिया है। तो ये अमेज़ॉन से हमने मंगाया था, ये टेबल क्लॉथ पूरा साथ में आया है और अलीना का थीम है मर्मेड थीम, तो इसलिए उसी हिसाब से हमने मंगाया है। डेकोरेशन का सारा सामान, ड्रेस भी वैसा है, केक भी वैसा है, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे अगर छोटी बच्ची घर में है तो किस तरह से डेकोरेशन करना है घर में। और ये सब सी शेल्स, कोरल रीफ्स और ये सब दिया गया है, जो भी मतलब होता है मर्मेड थीम में। और ये बैकड्रॉप है पीछे वॉल पर लगाने के लिए, तो हस्बैंड सजाने वाले हैं तो पूरा जब सज जाएगा तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये बलून्स वगैरह बहुत सारा दिया गया है और मैंने ये कप्स और प्लेट्स ये सब ले लिया है बर्थडे का। और अलीना 9 ईयर्स की होने वाली है तो ये नंबर फॉयल बलून है, ये भी ले लिया है। और ये बनने के बाद ना कुछ इस तरह से पिक्चर में दिया हुआ है अमेज़ॉन की वेबसाइट पर, मतलब जहाँ पर ये सेल कर रहे हैं, तो देखते हैं किस हद तक हम बना सकते हैं इसे। और रिटर्न गिफ्ट्स में मैं दिखा देती हूँ क्या है। तो यहाँ पर है बॉक्स, पेंसिल बॉक्स लिया है, ये वाटर प्रूफ पेंसिल बॉक्स है, इस तरह का है। और साथ में ये कुछ है ब्रेसलेट बनाने का रबर बैंड से, तो अलीना को अच्छा लगा तो अलीना ने ले लिया, तो ये सबके सबको एक दे देंगे। और साथ में है क्रेयॉन्स, तो ये है बच्चों का बर्थडे गिफ्ट, रेडी हो गया है। और अलीना की एक कज़िन सिस्टर आ रही है तो उसके लिए, और हाँ यहाँ पे एक बच्ची का है, छोटी है वो, मतलब एज में काफ़ी छोटी है, तो उसके लिए हमने ये ब्लॉक्स लिया है। और साथ में मैंने लिया है ये हेयर क्लिप्स का सेट, और अलीना की कज़िन सिस्टर के लिए हमने लिया है एक ये टॉय, ये सेट है डॉल का। और भी कुछ लिया है अलीना ने, इस तरफ है। और ये सब है जो बच्चे गेम्स होंगे ना, गेम्स में जो बच्चे जीतेंगे उनका प्राइज रहेगा ये। तो ये एक्चुअली लेगोज है और ये स्लाइम किट है अलीना के लिए। तो यहाँ देखिए हस्बैंड ने बलून्स वगैरह फुला दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी समझ में आ रहा है कैसा मतलब बनेगा, और थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है ये फूलने के बाद, फ्लैट था तो समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स है बलून के, लाइट पर्पल है, लाइट स्काई ब्लू है और मेटेलिक पिंक है। साथ में ये नंबर 9 का फॉइल बलून भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, ये फ्लैट था तो नहीं समझ में आ रहा था बिल्कुल भी ना, ये फिश टेल कितना अच्छा दिख रहा है फूलने के बाद, ये पूरा डेकोरेशन में मतलब जाएगा वॉल पे। और ये एक और मर्मेड टेल है और साथ में सी शेल है, कोरल रीफ्स है, सब कुछ है। तो ये देखते हैं बनने के बाद कैसा लगेगा। और यहाँ पे ना अलीना का बैकड्रॉप भी लग गया है, ये पीछे में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल का है, काफ़ी थिक है, ये वाला पेपर नहीं है, कुछ दूसरा ही मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है, कैनवस टाइप का है। और यहाँ पे वॉल पे पूरा सजेगा, यहाँ से ऊपर से जाएगा मतलब बलून पूरा जाएगा वॉल पे। और यहाँ पर हस्बैंड देखिए लगाने लगे हैं यहाँ पे, और मैं खाना बनाते बनाते आई मीन रमज़ान प्रिपरेशन का वीडियो शूट करते करते यहाँ कभी शूटिंग कर रही हूँ ताकि यहाँ का क्लिप्स वगैरह मिस ना हो जाए, फिर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती। तो यहाँ पर मैं आके थोड़ा शूट कर रही थी। और ये बलून्स लगाना ही बहुत झंझट था, बट समहाउ हो गया। और बहुत सारे बलून्स अभी भी लगने बाकी है। और ये बलून्स को ना जैसा दिया गया पिक्चर में वैसा सेम टू सेम डेकोरेट करना बहुत मुश्किल था, मतलब एक बार में आप नहीं कर सकते हो, तो 3-4 गुच्छा बना के, लाइक 4 का 5 का ऐसा गुच्छा बना बना के ना जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे हस्बैंड वैसे ही कर रहे हैं, इन्होंने 5 का 6 का इस तरह से सेट बनाया है बलून्स को धागे में लपेट लपेट के। क्या ये वाला कहाँ लगेगा? पहले बांधना है उसको ना, कितना।
तो फाइनली अलीना का डेकोरेशन का जो काम था कंप्लीट हो गया और इतना सुंदर सजाया था हस्बैंड ने, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसमें ट्रिक है, बलून को ना 3 साइज़ में आपको फुलाना है, लाइक बड़ा, मीडियम एंड स्मॉल, इस तरह से ना अलग अलग साइज में फुला कर उसके बाद मिक्स मैच करके आप लगाएंगे ना तो ये लुक क्रिएट हो जाता है। और इतना लंबा ना गुच्छा खड़ा करना मुश्किल है बलून्स का, तो आप 3-4 सेट में 5 का 6 का सेट बनाए, उसके बाद धागे की मदद से ना लपेटते जाए, मतलब लंबा करते जाए, तो इस तरह का बन जाता है। 3.5 घंटे के ऊपर लग गया था हस्बैंड को। तो अलीना ने पहना है ये ड्रेस, घुमो सुनो, अलीना ने चूज किया ये ड्रेस। हेयर स्टाइल दिखाओ, हेयर स्टाइल दिखाओ, हाँ ऐसा है, ओके। और ये डेकोरेशन कैसा लगा, डेकोरेशन सुनो पापा किया, अच्छा लग रहा है ना, ये वो ड्रेस मैच हो रहा है मरमट थीम के साथ, ब्लू कलर, ओके। वो लोग उल्टा उल्टा करते प्रिंसेस को, प्रिया सिंड्रेला लगा दिया, मैं एक मम्मी लगा दिया, जगह ये लगा दिया सिंड्रेला, कंप्लेन करना पड़ेगा उन लोगों को, बट अच्छा लग रहा है। सीशेल्स है, कोरल रीफ से, कलर भी बहुत अच्छा है ना, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सही। पार्टी पॉपर बाद में, इधर आ जाओ, पार्टी पॉपर आफ्टर कटिंग द केक, आफ्टर कटिंग द केक विल डू द पार्टी पॉपर, ओके। इट्स सो फन टू पॉप, आई नो लुक एट मीशू, बट इट विल फॉल ऑन द केक, नो लुक एट मीशू, डू इट नाउ प्लीज, यू वांट टू कट द केक नाउ, नो पार्टी रेडी रवीरा, आई नो, आई वांट द केक कट, डू इट, डू इट, ओके बोल दे, दैट्स अ पीस एंड बिकॉज़ पीस और हम दलिंग कैंडल्स, एवरीबॉडी स्टैंडिंग एंड से चीज, क्लोज अप, क्लोज अप, जो ना किसको कौन सा पसंद है, फ्लेवर यहाँ पे हैप्पी मिले बच्चों को, ओके Me
अबीरा डोंट थ्रो। नो तो जिसके हाथ में म्यूजिक बंद हुआ। ओके नो 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 अबीरा वो जाके ले लेगी सीधा। Jonah is out. Who gave this, Prisha? Prisha. Oh. Thank you, Prisha. The old one is very old for you. That's why I got a new one. Thank you, Prisha. You're welcome. I love you, Prisha. That's why I bought a tent. But you already have a canopy. That's why I bought this. Because your old one is broken. Yeah. We threw the old one because it was too old and everything. And broken, right? I am present with the strength of the warrior. It even has spoon with it. Okay, let's keep it here. और क्या दिया? It's a dress. Dress. क्या लिखा है? We will change the world. Wow. Yeah, okay. Thank you. Okay. Put it in the bag. Put it in the bag. Put it in the bag now. And chocolate. Chocolate sir. ये कौन दिया? ये हमको आयरिस दी थी। बैंगल है, इयररिंग्स है और इयर्स। वाओ सेट है पूरा ना? चला वो सर को अंदर को अंदर ही रख। और अभी क्या कर रहे हैं? इतना कुछ लेकर आई आई कपड़ा दिए ना? ओह वाओ सेम जैसा पहनी है वैसे ही है ना? वैसे पैटर्न है ये मिशु का है। मिशु का है हो गया तुम दोनों का सब ट्विनिंग हो गया ना? सेम है फैब्रिक देखो। हां रेड एंड रेड या द फैब्रिक इज सेम। यस सेम एज अलीना और जो डिजाइन एक मैग्नेट दी मैं फ्रिज मैग्नेट। ओह माय गॉड चॉकलेट चॉकलेट बोली चॉकलेट डिफरेंट कंट्री सो मेनी गिफ्ट्स बोल दी चॉकलेट डिफरेंट कंट्रीज है। डिफरेंट कंट्रीज है कौन सा कंट्री व्हिच कंट्री Who gave this? Abira. किचन सेट दो हो गया तुम्हारे पास? टू किचन सेट्स। व्हाट एल्स? सो मेनी गिफ्ट्स। अनाया है ना? वो चॉकलेट दी। और और ये
ये पापा दिए ना पापा की तरफ से नॉट एट ऑल फेवरेट थिंग माय फेवरेट या स्लाइम इज अ फेवरेट ओ कुबीर के ड्रेस वाओ प्रीटी ड्रेस या इट्स अ प्रीटी ड्रेस या थैंक यू फॉर यू बट इट्स नाइस स्मॉल नहीं है तो मतलब परफेक्ट है चलो हो गया अभी हाँ चलो।